नमस्कार। पहले ये देख लीजिए आपका प्रिय आलू जो हर जगह एडजस्ट हो जाता है, आज इसी का टोटका आपको बताने वाली हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। पहले आपका 2 मिनट लूँगी, उसके बाद में इसको कंप्लीट करूँगी जानकारी को। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और साधुवाद देती हूँ कि आप मेरी जानकारी को इतना पसंद कर रहे हैं और डेली परिवार बढ़ता जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे गुणी जनों से जुड़ी हूँ और आपके लिए जानकारी देने से मुझे खुशी मिलती है। ज्योतिष संबंधी जितनी जानकारी मेरे ध्यान में है, मेरी नज़र में है, वो मैं आप तक प्रेषित करती रहती हूँ, जिससे कि आपको कहीं भी कुंडली वगैरह दिखाए बिना ही लाभ मिलता रहे। लेकिन मित्रों, निवेदन यही है कि यदि कोई ज़्यादा दिक्कत है तो कुंडली ज़रूर दिखाइए, जिससे प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन किया जा सके। आज अभी 1 मिनट मैं लूँगी, 1-2 मिनट लूँगी और ज्योतिष से हटकर आपसे बात करूँगी। मित्रों, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज का ढांचा हर मनुष्य सुधारना चाहता है। इसमें तरह तरह की विघ्न बाधाएं आती हैं, तरह तरह की परेशानी आती है। लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी जो मुझे हमेशा पिंच करती है, परेशान करती है, और मेरे जैसे ही बहुत से लोग हैं जो इस बात से सहमत भी हैं जब मेरी उनसे बात होती है। मित्रों, हमें प्रॉब्लम है कम कपड़े पहनने वाले लोगों से। हम चाहते हैं हम किसी भी मनुष्य को पूरे वस्त्रों में देखें, लेकिन वो मनुष्य आमादा होता है अपने शरीर को जबरन हमें देखने के लिए, बाध्य करने के लिए। हम नहीं चाहते हमें किसी का गला दिखे, पेट दिखे, स्तन दिखे, लेकिन वो बेशर्मी की पराकाष्ठा पर होते हैं और जबरन अपना शरीर हमें देखने पर मजबूर करते हैं। चाहे टीवी चला लो या कोई प्रोग्राम देख लो या कुछ भी देख लो, मतलब वहाँ पर ये घिनौने लोग बाज नहीं आते, सभ्यता का की धज्जियाँ उड़ाते हैं। हम उन हाई क्लास लोगों की बात नहीं कर रहे, वहाँ तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन दुख तब होता है जब मध्यम वर्गीय कहने वाली महिलाएं, अच्छे परिवारों की महिलाएं भी अब इस फैशन की परेड में आगे आने लगी हैं। दुख तब होता है कि स्वयं तो पहनते ही हैं उघाड़ने वाले कपड़े, लेकिन उनके बच्चों तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, बच्चों तक को भी ऐसे कपड़े पहनाते हैं जो अच्छे नहीं हैं, शर्मनाक से लगते हैं मुझे तो। एक उदाहरण देती हूँ, हमारे पास में ही एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक मनुष्य था जो हमें निमंत्रित करने आया था नवरात्रों के लिए। वो अपनी बेटी को लेकर आया था, बेटी की उम्र होगी कोई 7-8 साल, बेटी इतनी छोटी थी और उस बेटी को उन्होंने इतना नीचे लहंगा पहना रखा था जिसमें कि उसकी नाभि दिख रही थी। बाद में हमें पता चला उस मनुष्य ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, क्योंकि उसके घर में संस्कार नहीं थे। उस घर की जो महिला है, उस लड़की की जो माता थी, वो भी थोड़ा चरित्र के मामले में ढीली थी, क्योंकि हर माता को ये एहसास होना चाहिए कि उसके बच्चे किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि हम किसी भी मनुष्य को पूर्ण वस्त्र में देखना चाहते हैं, हमारा निवेदन है कि जबरन अपना शरीर देखने को हमें ना थोपें, हमें बाध्य ना करें। इस मुहिम का आप हिस्सा बनिए और हमें गवर्नमेंट से भी मांग करनी चाहिए। हालांकि किसी भी व्यक्ति को वस्त्र पहनना उसकी निजी सोच हो सकती है, लेकिन ऐसी निजी सोच जो समाज का ढांचा बिगाड़े, समाज में गंदगी फैलाए, समाज के लोगों में चरित्रहीनता को फैलाए, उसके लिए रोक जरूरी है। भाई, कपड़े भगवान ने पहनने को बनाए हैं तो आप पहनते क्यों नहीं हो? क्यों इधर से कटा उधर से कटा, इधर से खुला उधर से खुला? हम नहीं देखना चाहते कुछ भी, क्यों दिखा रहे हो हमें ज़बरदस्ती? हम नहीं देखना चाहते। मित्रों, अगर मेरी ये बात आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा भर भर के, और आप भी अगर इसी तरह के लोग हैं तो आप इस पीड़ा को समझ रहे होंगे। बहुत पहले मैंने एक प्रतिष्ठित अखबार में एक डेली पत्र आते थे, उसमें से वो बेस्ट पत्र को सिलेक्ट करते थे। वो मुझे आज भी याद है, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। वो पत्र था कि जो साबुन के विज्ञापन में जो नहाकर महिलाएं दिखाती हैं, उनको संबोधित करके उस मनुष्य ने अपनी पीड़ा रखी थी। उन्होंने कहा था कि आप जिस साबुन से कहोगे बहन जी हम नहा लेंगे, कृपया नहाकर दिखाने का कष्ट ना करें। कितनी बढ़िया बात थी, और उस पत्र को सर्वश्रेष्ठ पत्र घोषित किया था एडिटर ने, और वो मुझे आज भी याद है, काफ़ी पुरानी बात है ये। तो मित्रों, हम जैसे सुसंस्कृत लोग अगर समाज के ढांचे को नहीं संभालेंगे तो बड़ी गिरावट आ जाएगी। और अगले वीडियो में हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो सैनिकों की पत्नियों के बारे में जो अभी मैंने देखा कई जगह भद्दी टिप्पणी कुछ सो कॉल्ड लोगों ने की, उसके लिए भी जवाब देना है। तो उसके लिए ज़रूर अगला वीडियो देखिएगा।
चलिए आज का वीडियो कंटिन्यू करती हूँ और आपको बताती हूँ जो आप जानना चाहते हैं। मित्रों, आलू जो है ना शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो आलू का प्रयोग है ना फ्रेंड्स, इसको दो तरह से आप कर सकते हो। या तो आलू पर ही आप लिख लीजिए जो मैं बताऊँगी, वो भी कर सकते हो, नहीं तो आलू का जूस निकाल लीजिए और उस जूस से आप लिखेंगे किसी सफ़ेद कागज़ पर। आपको क्या लिखना है, 6 लिखना है आपको। 6 लिख कर आपको गोला बना लेना है और उस पर थोड़ा सा इत्र छिड़क देना है। आलू पर भी आपको 6 लिखना है और गोला बना लेना है। इसके साथ में आपको लिखना है श्री, श्री लिखना है आपको। अब आप कैसे मैनेज करते हैं ये आप देख लीजिए। रोली से भी लिख सकते हैं और अगर आलू के रस से लिख रहे हैं तो कागज़ पर आप लिख ही सकते हैं। तो ये काम आपको करना है। आप आलू के रस में रोली मिलाकर भी लिख सकते हैं सफ़ेद कागज़ पर। इसको आपको लैमिनेट करा लेना है और इसके बाद आपको डेली धूप दीप करनी है कागज़ को। तो और जो आलू है जिस पर कि आप लिखेंगे, उसको आपको क्या करना है, अगरबत्ती लगा लेनी है और उसको आपको रखना है आपका जो गार्डन है ना, जहाँ पर तुलसा जी का गमला है, उसके पास में रख दीजिए आप। कुल मिला के शुद्ध और साफ़ जगह होनी चाहिए। इसके बाद आप जब आलू थोड़ा सा मुरझाने लगे तो उस आलू को आप हटा दीजिए और ताज़ा आलू वापस से रख कर यही प्रक्रिया अपनाइए। इसके अलावा आप श्री सूक्त का पाठ भी डेली करिए। आपके पास बहुत पैसा आएगा फ्रेंड्स और आपका शुक्र भी जागृत होगा, लेकिन साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है फ्रेंड्स। और कम से कम 2 या 3 बार स्नान ज़रूर करें। जब भी पसीने की बदबू आए तो स्नान करें। ऐसा करने से आपका शुक्र जो है ना उच्च का बन जाएगा। इसके अलावा एक बार पहने हुए कपड़े जब तक कि धुल ना जाएं, उनको दोबारा ना पहनें। मतलब धुल के ही कपड़े को पहनना है। कई लोग एक कपड़ा एक से अधिक बार पहनते हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है।